आप सभी को अंजलि का नमस्कार। आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे, ये कविता हमारे बच्चों ने बहुत बचपन में गाई होगी। ठीक है, आजकल के कई बच्चे ये नहीं गाते हैं। तो कचालू तो जैसे अब उनकी लाइफ से सही में ही कहीं चला गया है। तो मैं आज, क्योंकि आजकल ये सीजन है कचालू का, तो मैंने सोचा कि मैं आज कचालू की चाट बनाऊं और आप भी बनाओ और अपने बच्चों को खिलाओ, क्योंकि इसमें कचालू में इतने अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं। जो ये सीजनल होती है ना वेजिटेबल, ये हमें जरूर अपने बच्चों को खिलानी चाहिए। अब मैं आपको इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बताती हूँ। फाइबर तो इसमें है ही, साथ के साथ इसमें मैग्नीज, पोटेशियम, ये भी बहुत है। मतलब हमारी जो डेली नीड्स है ना वो फुलफिल करता है। और वाइटमिन B6 ये भी इसमें बहुत अच्छा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है हमारे लिए लेना। और जो इसकी स्टार्च है वो इतनी अच्छी स्टार्च है कि जो डायबिटिक हैं वो भी अगर इसको लेंगे ना तो उनकी डायबिटीज पे इसका कोई शुगर लेवल पे इसका असर नहीं होता। सो ऑन द होल मैं ये कहूँगी कि हमें जब इसका सीजन आता है तो इसका इंटेक हमें जरूर करना चाहिए। सीजनल वेजिटेबल यू शुड मस्ट टेक। तो चलो आज इसको कुछ चटपटा बनाते हैं। तो बना, बस उसके लिए जो कुछ चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ, आप इकट्ठा करना और इसको जरूर बनाएं। तो इसके लिए मैंने आधा किलो कचालू लिए हैं। इनको मैंने कुकर में पानी डालकर 6-7 सीटी जो है ना वो दिलवा ली थी ताकि अच्छे से गल जाएं। और थोड़ी सी इमली को सोख करके उसका पल्प निकाल लिया है। और बाकी नमक, मिर्च, थोड़ा चमकी चाट मसाला, थोड़ा भुना हुआ जीरा, ये तो मसालों में हो गया। और थोड़ी सी अजवाइन भी, इसमें अजवाइन जरूर डलती है, इसका जो फ्लेवर है ना वो बहुत बढ़िया आता है। और हरी मिर्ची, धनिया, और मैंने अदरक को ना ऐसे लंबा लंबा काट लिया है और उसको थोड़ा नमक वाले पानी में भिगो दिया है ताकि कई बार जो अदरक होता है ना वो थोड़ा तेज लगता है। और हरी चटनी और थोड़ा सा नींबू का रस। अगर आपके पास मीठी चटनी है इमली की तो आप ये जो है अवॉइड भी कर सकते हैं। और थोड़ी सी हमें चीनी भी चाहिए। ये मैंने बॉयल कर लिया, उसके बाद इनको ठंडा कर लीजिए। हो सके ना तो मैं कहूँगी इनको थोड़ी देर फ्रिज में रख दीजिए। उसके बाद बस इनको पील करना है। तो मैं अब इनको पील कर रही हूँ, सारे इनको हम पील कर लेंगे। अब ये जैसे सब मैंने छील लिए हैं, अब मैं इनको बस काटूंगी थोड़े बड़े पीसेस, अगर आपने चाट की तरह रखना है। और काफ़ी अगर हम बारीक काटें ना, जैसे मैं इसी में चलो आपको काट के दिखा देती हूँ, तो पूड़ी के लिए भी ये बहुत टेस्टी बनते हैं। ऐसे आप बारीक बारीक भी इनको काट सकते हैं। ये जब हम पूड़ी आलू बनाते हैं ना उसके साथ ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो अभी तो खैर मैं आपको चाट बनाना दिखा रही हूँ। अब ये हमारी जो है कट गए हैं। अब मैं इसमें सॉल्ट, इसमें 1 चम्मच सॉल्ट, और ये लाल मिर्ची। लाल मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने कश्मीरी यूज़ की है इसलिए मैं थोड़ी सी ज़्यादा डाल दी है मैंने। और ये अजवाइन, इसमें अजवाइन का बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। आप अगर चाहें तो थोड़ा सा इसको तवे पे गरम करके अजवाइन को भून कर डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही डाल रही हूँ। हरी मिर्ची, और ये हमने डाला भुना हुआ जीरा, और ये मेरे पास हरी चटनी है तो मैं थोड़ी सी ये भी डाल रही हूँ टेस्ट के लिए, और ये इमली की चटनी। ये चटनी नहीं है एक्चुअली, मैंने तो पल्प निकाला है। लेकिन अगर आपका मीठी चटनी है फिर आप चीनी को अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपने उस वो मीठी बनाई हुई है तो फिर आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। इसमें इमली का वैसे जो होता है ना जूस, अगर हम ये डालें पल्प तो इसका टेस्ट अपना ही आता है। और बस फिर थोड़ा सा चमकी चाट, और ये जो अदरक है थोड़ा सा मैं पहले डाल रही हूँ मिलाने के लिए, बाकी तो फिर ऊपर जब हम सर्व करेंगे तो तब डालेंगे। और ये लेमन जूस, मैंने आधा नींबू का जूस निकाला है। तो बस अब हम इसको मिक्स कर देंगे और हमारी जो है आलू की चाट। चीनी है वो ऑप्शनल है, उससे थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट हो जाता है। अगर आप तो मीठी चटनी डाल रहे हैं इमली की फिर तो ज़रूरत नहीं है। और अगर आप खट्टा मीठा पसंद करते हैं तो फिर आप इसमें आधा चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए मेरे तो मुंह में बनाते हुए ही पानी आ रहा है। अब इसको सर्व करने के लिए बस हम ऊपर से जो है धनिया और अदरक का जो हमने लंबे लंबे लच्छे काटे थे वो भी डालकर और बस हम इसको सर्व कर देंगे। तो अब ये इसमें थोड़ा मैंने धनिया भी डाल दिया। तो बस ये हमारी कचालू की चाट रेडी है। अब आप थोड़ा इसको टेस्ट करके अपने हिसाब से थोड़ा सा इमली अगर आप और डालना चाहते हैं, खट्टा करना चाहते हैं, आपको जितना खट्टा पसंद है,
तो कुछ आलू की चाट उस हिसाब से बना है। बस ये हमारी रेडी है, अब हम इसको सर्व करेंगे। तो ये हमारी कचालू की चाट तैयार है। जो बाकी बचा हुआ अदरक के थे लच्छे वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया, थोड़ा धनिया और टूथपिक लगा दिया। तो गाइस बस मैं आपसे ये पूछूंगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताना कि क्या आपने इस सीजन अभी तक कचालू खाए क्या, क्योंकि मार्केट में तो ये आजकल आए हुए हैं। मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना, बहुत ही मुझे भी अच्छा लगेगा ये सुनकर कि आज भी कोई लोग हैं जो ये नरिशिंग मतलब बहुत ही हेल्दी वेजिटेबल है कि जो खाते हैं। तो बस फिर आप बनाएं इसको एंजॉय करें, और प्लीज़ फिर वही बोलूँगी मैं, मेरे को जरूर फेसबुक पर फॉलो कीजिए, अगर यूट्यूब पर करते हैं सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पर भी अब तो मैं हूँ और वहाँ पे भी प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए। फिर मिलूँगी किसी दिन। थैंक यू, नमस्कार।